नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वैरिकोसील तब होता है जब क्रोटम के अंदर बल्ज होता है वेन्स एनलार्जमेंट की वजह से। वेन्स जो है वो सूज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से एक स्वेलिंग आ जाता है और ये एनलार्जमेंट टेस्टिस के ऊपर होता है। कभी कभी इसमें डिसकलरेशन भी नहीं होता है, मतलब कलर बदलता नहीं है, इसलिए अक्सर ये प्रॉब्लम दिखता नहीं है और पेन भी कभी कभी नहीं होता है। तो ये होता क्यों है? स्क्रोटम में पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस करके ग्रुप ऑफ वेन्स होते हैं। ये वेन्स ब्लड को कूल रखते हैं जब वो टेस्टिस से टेस्टिकुलर आर्टरी में जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस में खून आता है। बट टेस्टिस अगर बहुत गर्म रहे तो हेल्दी स्पर्म नहीं बना पाते और स्पर्म हेल्थ फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। जब ये वेन्स स्वेल हो जाते हैं तो ये कूल डाउन नहीं होते, ब्लड हीट होता है और वहाँ पे हीट जनरेशन की वजह से स्पर्म के क्वालिटी में असर पड़ सकता है। बहुत लोगों को वैरिकोसील रहने के बावजूद सिम्टम्स नहीं होते और उनको पता भी नहीं चलता जब तक फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं आते। कभी कभी वैरिकोसील होने पे थोड़ा सा स्वेलिंग टेंडरनेस भी हो सकता है स्क्रोटल एरिया में। तो क्यों होता है वैरिकोसील? वैरिकोसील जब होता है जब स्क्रोटम में वेन्स सूज जाते हैं, मैंने कहा एनलार्ज हो जाते हैं। हर वेन में एक वाल्व होता है, जैसे कि स्विच सोचिए, जो ब्लड को वापस पीछे बैकवर्ड फ्लो होने से रोकता है। कभी कभी ये वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वापस फ्लो होता है और इसकी वजह से ये वेन डैमेज हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकता है और ये वैरिकोसील में बदल सकता है। एक रिसर्च 2014 में जो पब्लिश हुआ था उसने दिखाया है कि स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वैरिकोसील के लिए, क्योंकि ये स्मोकर्स के ब्लड वेसल को इन जनरल हार्म कर सकता है। तो ये दिखाया है कि स्मोकिंग से वैरिकोसील हो सकता है, लेकिन अल्कोहल और ऑक्यूपेशन का संबंध नहीं देखा है वैरिकोसील से। स्मोकर्स में डेफिनेटली ये चांसेस ज्यादा होते हैं। पेट में अगर कोई ग्रोथ हो तो भी वेन्स में प्रॉब्लम हो सकता है और वैरिकोसील हो सकता है। ये 45 इयर्स के बाद ज्यादा कॉमन हो सकता है कि ग्रोथ इन द स्टमक की वजह से, प्रेशर की वजह से, वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वैरिकोसील होना। तो ये डायग्नोस कैसे हो सकता है? मोस्टली क्योंकि पेन नहीं होता है, सेंसेशन अक्सर नहीं होता है तो ये डायग्नोस नहीं होता है। लेकिन अगर सेंसेशन ज्यादा रहा, ओकेशनल थ्रॉबिंग रहा स्क्रोटम में, पेन रहा, खड़े होने पर ज्यादा रहा, तो ये चेकअप के लिए जब पेशेंट आते तब पता चलता है। इनफर्टिलिटी अगर हो, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो और जब सीमिनालिसिस कराया गया, ये जब आप इनफर्टिलिटी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तब कभी कभी ये निकल पाता है। डॉक्टर आपको जब फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो देखेंगे स्क्रोटम में कोई लंप है या अनयूजुअल ब्लड सप्लाई की वजह से भी ये हो सकता है। और जब आपको अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तब ये निर्धारित किया जाता है कि ये कौन से ग्रेड में, मतलब कितना सीरियस है और इसकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो रहा है। ऑफ कोर्स मेल इनफर्टिलिटी प्रूव करने के लिए वैरिकोसील, अल्ट्रासाउंड ये सब तो है ही, बट सीमेन एनालिसिस भी किया जाता है जिससे स्पर्म क्वालिटी के बारे में जाना जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? एम्बोलाइजेशन एक ऐसा सर्जरी है जहाँ पे टेम्परेरीली ब्लड सप्लाई को कट कर दिया जाता है। इसके दौरान एक छोटा सा नीडल जाता है वेन के अंदर और ये नीडल, जैसे मैंने कहा, उस वेन को, ब्लड सप्लाई को कट करता है, जिससे ये पेन अगर कम लेवल का वैरिकोसील हो तो ठीक हो सकता है। अगला है सर्जरी। सर्जरी में वैरिकोसील को निकाल दिया जाता है, ब्लड वेसल को ब्लॉक किया जाता है, स्पेशली डैमेज वेन जो होता है वैरिकोसील को निकाल दिया जाता है, स्पेशली जो ब्लड फ्लो होता है वो डैमेज वेन को नहीं पहुंच पाए, ऐसा किया जाता है सर्जरी में। इस सर्जरी का नाम है वैरिकोसीलेक्टमी। ये सर्जरी एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। अगर आपको वैरिकोसील है और आपको पेन है या आपके सीमन एनालिसिस में अबनॉर्मल पैरामीटर्स आए, इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।